हेलो फ्रेंड, मैं पुष्पा, पुष्पा की पाकशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बिल्कुल नई रेसिपी, शायद ही आपने कभी बनाई होगी, दूध और नारियल बुरादे की अनोखी रेसिपी। आप इसके आगे मार्केट से महंगी रेसिपी लाना भूल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। चलो इसको बनाना स्टार्ट करते। आप अपने अनुसार कोई भी कप कटोरी सेट कर ले। मैं ये कप सेट कर रही हूँ तो 2 कप मैंने नारियल बुरादा ले लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, नहीं तो आप घर का भी ले सकते। अब सेम कप से मैं 1 कप ले रही हूँ गरम दूध। इस प्रोसेस से आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। और दूध आपको गर्म डालना है और इसको मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा के हम थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख देंगे। इस रेसिपी में स्वाद बिल्कुल जो कच्चे नारियल से हम रेसिपी बनाते हैं वैसा ही आएगा ये प्रोसेस करेंगे तो। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी और साइड में रख दूंगी, तब तक हम बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली। कढ़ाई आपको भारी तले की लेनी है, पतली बिल्कुल भी नहीं लेनी। और कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप दूध। सेम कप से मैंने 1 कप दूध डाल दिया है और 1 कप चीनी ले लिए। जो ये रेसिपी बना रही है थोड़ी मीठी होती है तभी अच्छी लगती है ज़्यादा, तो आप मीठा अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा और हम इसको घुलने तक चलाते हुए पका लेंगे। गैस की आँच मैंने मीडियम कर दी है। थोड़ा सा मैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दूंगी और इस तरह से हमें चलाते रहना है चीनी घुलने तक। अब उबाल आ गया दूध में तो गैस की आँच हम थोड़ी धीरे कर देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा होने देते हैं मिश्रण को। इस तरह से गाढ़ा हो गया काफ़ी मिश्रण और ऐसे जैसे गाढ़ी चाशनी होती है वैसे लग रहा है और दूध के है वो दाने बन गए इस तरह से, देखिए। और बीच बीच में मैं चला रही थी और जो मिश्रण हमने साइड में तैयार करके रखा था वो सारा दूध इसने सोख लिया है और ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ना ही ज़्यादा खर्चा आता है। घी वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो सारा मिश्रण मैंने इस तरह से इसके अंदर डाल दिया है। गैस की आँच एक बार धीरे कर देनी है आपको। अब सेम कप से मैं 1 कप ले रही हूँ मिल्क पाउडर। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की आँच आपको एक बार धीरे ही रखनी है, अभी तेज़ नहीं करनी। मिक्स करने के बाद हम गैस की आँच है वो बढ़ा लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह दूध जो लिया हमने 1 कप, आधा कप मलाई और आधा कप दूध ले ले और थोड़ा सा पका के गाढ़ा कर ले और फिर ये नारियल का जो हमने बूरा भिगो के रखा था वो डाल दे, तो इससे भी मिठाई में टेस्ट है और बिल्कुल मावे जैसा आएगा। अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं 2-3 चुटकी येलो फूड कलर डाल रही हूँ जो मिठाई वगैरह में डालते हैं। आपको कौन सा कलर डालना है या कलर नहीं डालना वो आपके ऊपर है। आपको नहीं डालना है तो आप इस रेसिपी को बिना कलर के भी बना सकते हैं, स्किप कर दे। और अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और गैस की आँच अभी बढ़ा लूँगी। हमें अब चलाते हुए इसको पकाना है तेज आँच पे और तब तक पकाना है जब तक ये दूध और चीनी का पूरा पानी ना सोख ले। तो दिखने में भी आपको लग रहा होगा कि ये लाजवाब रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। आप इस रेसिपी को आराम से अगर पहली बार भी बना रहे हैं तो परफेक्ट तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब होने का चांस नहीं है। और आपको याद दिला दूं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो पूरा दूध और चीनी का पानी सोख लिया है इस तरह से। अब गैस बंद करके हम नीचे उतार लेंगे मिश्रण को, एक थाली में निकाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप पंखे के नीचे रख दें, ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। अगर आप इसके पीस जमाना चाहते हैं तो पीस भी जमा सकते हैं। मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। अच्छे से ये मिश्रण हमारा ठंडा हो गया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े लड्डू बना के तैयार कर ले। मैं इस तरह से थोड़े मीडियम साइज के लड्डू बना के तैयार करूँ, बिल्कुल दानेदार हलवाई जैसे हमारे लड्डू बन के तैयार है। मैं नारियल बूरे में कोट कर लूँगी, बिल्कुल रसीले बने हैं और हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है तो बिल्कुल दानेदार मावे के लड्डू का टेस्ट आता है खाने में। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। आप कोई भी त्यौहार पे ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं और फ्रीज में कम से कम इसको 10 से 15 दिन स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो में कुछ कमी लगे तो भी बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूँ। और मैं लड्डू आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, आप इसका टेक्सचर देख के भी समझ जाएंगे कि कितने लाजवाब बने हैं, बिल्कुल मावे जैसे। आप ये वीडियो देख के एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें, फिर कभी मार्केट से नहीं लाएंगे। जब भी मीठा खाने का मन करेगा या जल्दी से कोई मिठाई बनानी होगी तो आप ये ज़रूर बनाएंगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।